टिकटॉक बैन, कैन स्कैनर बैन, पबजी बैन, 59 मोबाइल ऐप बैन इंडिया में, चीन की डिजिटल स्ट्राइक है हिंदुस्तान। वेल हाय गाइस, दिस इज फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस। हे गाइस, वेलकम बैक। दो दिन से नहीं आई थी, आज मैं आ गई हूँ क्योंकि हम लोग देख रहे थे न्यूज़ और न्यूज़ में इतनी बड़ी न्यूज़ आई ना, हिस्ट्री में, इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाइनीज ऐप इतनी सारी बंद हो गई। तो हम लोग अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे क्योंकि 2020 काला साल है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है स्टार्टिंग से ही। लेकिन ये एक अच्छी चीज़, एक अच्छी पहल ली है भारत सरकार ने कि चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया। मुझे ये याद है कि कल परसों में एक वीडियो देख रहा था जिसमें हमारे सिपाही भाई एक बॉर्डर पे कह रहे थे, यार हम दिन रात मेहनत करते हैं, आप प्लीज सपोर्ट करो, जितने भी चाइनीज ऐप है उसे अनइंस्टॉल करो, मोबाइल से बाहर निकाल फेंको। सरकार ने सुन ली कहीं ना कहीं उन भाई की बात, और सर को सल्यूट, सल्यूट उन सबको जिन्होंने ये मोटिवेट किया कि गाइस ऐप अनइंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करो। सबकी पुकार सुन ली। टिकटॉक पे जिन लोगों का घर चलता था ना, रोजी रोटी कमाते थे, उन लोगों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है कि अब वो क्या करेंगे। लेकिन अच्छा है ना, आपके पास और अच्छे ऑप्शंस खुलेंगे, मत करो टिकटॉक यूज। यूट्यूब पे आप आ सकते हैं। हाँ, टिकटॉक मत यूज करो, चाइनीज ऐप और चाइना की कोई भी चीजें ना खरीदो ना यूज करो, तो ये बहुत अच्छा। पबजी में लोग इतना टाइम वेस्ट करते थे, कुछ बच्चों पे गंदा असर पड़ रहा था पबजी से। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने जिंदगी में आज तक पबजी खेला नहीं है, पर जितना देखा सुना है ना, आई हेट पबजी। नहीं देखो, ये जरूरी था, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत जरूरी था हमारे सैनिकों के लिए। चाइना हम लोगों के साथ जो कर रहा है, एक तो पहले आपने वायरस फैला दिया चाइना ने, और उसके बाद से लड़ाई लड़े जा रहा है भारत के साथ। भारत कभी भी किसी भी देश के साथ लड़ाई की पहल नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे पड़ोसी देश हम लोगों को बहुत तंग करता है, इंडिया वालों को। लेकिन हम लोग बहुत बहुत खुश है कि टिकटॉक फाइनली, टिकटॉक पे इतनी चोरियां होती थी ऑनलाइन, मैं बोलता हूँ। हाँ, खासतौर रेखा पे वीडियो, जो बी नेचुरल पे रेखा वीडियो डालती है, वो सारी वीडियो किसी ने टिकटॉक पे डाल रखी थी। टिकटॉक पे डाल रखी थी, मतलब आप एक बार यूट्यूब पे तो चोरी करके दिखाओ, हम लोग स्ट्राइक दे सकते हैं, लेकिन टिकटॉक पे इतनी चोरियां हो रही थी, चाहे मैं हूँ या बड़े बड़े कॉमेडियंस थे, उनकी वीडियोस चोरी हो रही थी, तो देख के बहुत बुरा लगता है यार, हमारा इतना हार्डवर्क का पूरा वीडियो वहाँ पे डाल रहे हो। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बहुत सारा यूथ जो अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकता था वो करने की वजह टिकटॉक में बहुत ही वाहियात तरीके की वीडियोज बनती थी। एक अच्छी बात ये भी है, जितने भी क्रिएटिव थोड़ा टिकटॉक पे दिखाते थे, अच्छा कॉन्टेंट दिखाते थे, वो सब यूट्यूब पे आएंगे, तो उससे क्या दूसरे को सीखने को मिलेगा। YouTube पे आप फटाफट आ जाइए, देर मत करना कि एक हफ्ते बाद आऊंगा, दो हफ्ते बाद आऊंगा, नहीं, YouTube पे आओ। लेकिन TikTok बंद हुआ, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। TikTok, PUBG, B69, WeChat, जितने भी 59 ऐप है, आप Google पे जाके देख लेना, लिस्ट आ जाएगी। और हाँ, हो सकता है अभी आपका TikTok चल रहा होगा अभी, क्योंकि न्यूज अभी अभी आई है, एक दो दिन में गायब हो जाएगा। गाइज, बैठ के बात करते हैं। हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि 2020 में जो YouTube TikTok वर्सेस जो चल रहा था, इतने टाइम से उसका ऐसा रिजल्ट आएगा। बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हम चाइना की चीज़ों को यूज़ करना बंद कर दें। हम लोग तो बिल्कुल भी चाइना की चीज़ें यूज़ अब खरीदने वाले नहीं है, कुछ भी जो भी होगा वो मेड इन इंडिया ही होगा, या फिर नॉट इन चाइना, नॉट मेड इन चाइना। तोड़ना नहीं है सामान जो जो ऑलरेडी है वो नहीं तोड़ना। अब जैसे मेरे पास चीन के कपड़े, तो मैं चीन के कपड़े फाड़ने थोड़ी ना बैठ जाऊंगी, अब जो है हमारे पास, ये तो यूज करेंगे ना, लेकिन अब हम कुछ खरीदेंगे नहीं। चाइना को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक अच्छी बात ये है कि जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हो, तो उसमें आता है कि गैलरी, आपके कॉन्टेक्ट्स, आपके वीडियो, इमेजेस, आपको परमिशन देनी पड़ती है, तब आप ऐप इंस्टॉल कर पाते हो। अब ये चीज सब चाइनीज के पास जा रही थी। हाँ, चाइना इंडिया की डिटेल भी ले रहा था, तो ये चीज भी है। नहीं होगा। हाँ, ये चीज अच्छी है। आप लोगों के क्या रिएक्शन है, प्लीज कमेंट करके बताओ कि ये न्यूज आपको जब सुनने को मिले तो कैसा लगा। हम लोग तो उछल पड़े, नजर सिर्फ वहीं टिकी हुई है, अभी भी न्यूज ही देख रहे हैं प्रिंस। हम लोग लिस्ट भी आ चुकी है, हम लोग देखो लिस्ट भी आ गई, ये है चाइनीज ऐप बैन। आज तक हमने ऐसा कभी नहीं किया कि अभी व्लॉग बना के डाल दिया। मन तो कर रहा था लाइव आ जाए, पर नेटवर्क कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो अभी लाइव तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन हाँ, जैसी न्यूज सुनी सोचा आप लोगों के साथ शेयर लाइव बैन, वीचैट बैन। अब इंडिया का यूथ कुछ अच्छा लाइक बंद हो गया, लाइक लाइक बंद हो गया। गाइस, आपको अपना दिल छोटा नहीं करना है, मुझे पता है छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक पे थे, कुछ क्रिएटिव काम करते थे, 500, 1000, 1500, 2000 वीडियोस अपलोड कर रखी थी। कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे आ जाइए, वैसा आप कंटेंट बनाइए अच्छा, जिसको
मोटिवेट होए, सीखने को मिले कुछ। ये नहीं कुछ भी गंदा और गंदी चीज़ आप कर रहे हैं, थूक निकाल रहे हैं, कान में उंगली डाल रहे हैं, फनी चेहरे बना रहे हैं। नहीं, फनी चेहरे बनाने चाहिए, यूट्यूब पे बनाओ, है ना। तो ये मुझे पता है बच्चों काफ़ी दुख होएगा और लोगों का टाइम पास अब पता नहीं कैसे होगा। लोग बहुत टाइम पास करते थे, आपको अब टाइम पास करना है तो आप क्या करेंगे? दुख की बात यह है कि देखो अभी इस खुशखबरी में जो दुख चल रहा है कोरोना वायरस का, मुंबई में बहुत फैल गया है, दिल्ली में फैल गया है और हमारे बिल्डिंग में काफ़ी फैल चुका है, आसपास एरिया में काफ़ी फैल चुका है, पर लोग तब भी बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सब काम पर जा रहे हैं। पर यह स्टेप बाय स्टेप हम अच्छा काम कर रहे हैं, अपने इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी स्टेट में सबको अच्छा काम करना है, अपने लेवल पर करना है, अपनी कंट्री को हमें आगे ले जाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं रखा। हाँ यार, आपस में हम लोग बहुत लड़ लिए। और सॉरी गाइस, कोई भी अगर कोई भी मेरी जो वीडियो मैंने दो डाली है किसी को भी हर्ट हो रहा होगा उसके लिए सॉरी, पर ये जो मुझे लगा मैंने बोला, जो सच मुझे लगा, जो दिखा वो मैंने बोला, ये नहीं किसी के सुनकर मैंने बोल दिया, नहीं, जो इफेक्ट थे पॉइंट मैंने वो बोले। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी सुबह से रेखा तंग थी कि कोविड के मतलब पॉजिटिव इतने रिजल्ट आ रहे हैं आसपास और अचानक चेहरे पे लिपस्टिक आ गई वीडियो के लिए लिपस्टिक आ गई क्या हुआ तो क्या अब मैं लिपस्टिक भी ना लगाऊं यार? लड़की श्रृंगार तो ऐसी रहना चाहिए ना। सबसे अच्छी बात 2020 में कुछ तो अच्छा हुआ, धीरे धीरे ये सारे चाइनीज चीज़ों को बैन कर दें और सब प्रोटेक्शन के साथ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मेरी दिल्ली में मम्मी के घर मैंने बताया था सीलिंग हुई है और 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी भी उनके घर के आगे और पीछे पुलिस ने ताला लगा के बंद करके रखा हुआ है, ऐसा लगता है कि जेल में बंद करके रखा है। सिर्फ एक ही अंकल को पॉजिटिव आया था, वो अंकल हमारे बीच नहीं रहे हैं लेकिन बाकी सब अब स्वस्थ हैं। फिर भी ठीक हो गए थे ना? हाँ ठीक हो गए थे, बाकी सिर्फ 1.5 महीने से उनको बंद करके रखा है। मुझे नहीं लगता कि 1.5 महीने तक बंद करके रखा जाता है। गाइस प्लीज बताओ कि आप लोग के एरिया में भी ऐसा हो रहा है या यहाँ कुछ तो अजीब सा है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर किसी की पहचान केजरीवाल जी से है तो प्लीज हमें उन तक पहुँचा दे, ये वीडियो उन तक पहुँचा दे कि हमारे घर को 1.5 महीने से बंद करके रखा हुआ है और इतना लंबा एक, किसी को एक, नहीं रखते हैं। एक इस टॉपिक पे हम कल वीडियो बनाएंगे, ठीक है? बहुत कुछ हुआ है पर अभी वो इसमें हम नहीं दिखा रहे, हम अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो अभी ठीक है, आज हम यही सेलिब्रेट करते हैं, एटलीस्ट 2020 में एक चीज ढंग की हुई। पर मैं अंदर से खुश हूँ पर मुझे दुख आ रहा है, कितने लोगों ने किया था यार, फनी वीडियो थी या कैसे भी थी, मेहनत सबकी लगती है, मतलब न्यूज सुनकर अच्छा लगा कानों को, पर लगा यार वो बेचारे क्या करेंगे यार। बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली, मुझे बच्चों का दुख आ रहा और कुछ नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे बहुत सारे लोग। अरे एक मोस्टली इंडिया में गांव से लोग यूट्यूब पे एक्टिव थे, आई डोंट नो उनको कैसा लग रहा होगा। दो बच्चे इतने अच्छे थे, एक छोटी सी गुड़िया सी एक लड़की थी जो अपने पापा के साथ बनाती थी, वो प्यारी लगती है, वो काफी अपने देशभक्त के लिए करती थी, इंडिया को काफी सपोर्ट करते थे, उसकी वीडियो में लगता था कि नहीं ये, पर उसमें लगता भी था पापा बेटी का रिलेशन काफी अच्छा लगता था। ऐसे क्रिएटर्स यार क्या करें, क्या पता YouTube नया फीचर लेके आए या इंडिया में प्रधानमंत्री जी TikTok जैसा इंडिया का ही कुछ ऐप बना दे यार, ऐसा हो जाए, इंडिया के पैसे इंडिया की क्रिएटिविटी और इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। काश ऐसा हो जाए यार, कितनी अच्छी रहेगी बात, है ना। TikTok को टक्कर देने के लिए क्या यार, हमारे इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स है, इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि TikTok जैसा कोई ऐप बना ले यार, बनाओ ना आप लोग, कोई स्टूडेंट देख रहा है तो। टैलेंट तो है, वो लोग सोचते हैं मैं बनाऊंगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, मैं कुछ करूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मैंने ऐसे बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे। हमारे यहाँ ना लोग डरते बहुत हैं, कुछ भी करने में डर तो लगता है, पर आप पहल नहीं करोगे कोई दूसरा पहल कैसे करेगा, है ना। करो करो, ये है कि आप डिपेंड करता है कौन से ट्रैक पे चल रहे हो। तो यही करते हैं, अभी न्यूज में पूरी सुन लेता हूँ, है ना बाबू, न्यूज सुन लेते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय।